इतिहास कभी भी कोई अकेले नहीं बनाता है, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों लाखों लोगों की वो हार तोड़ मेहनत होती है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। और इतिहास बनने के बाद हमारे सामने कुछ गिने चुने चेहरे ही याद रह जाते हैं, लेकिन इस नए भारत में दुनिया इतिहास बनने के साथ ही इतिहास बनाने वाले को भी देखेगी। जी हां, इस बार के रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ, नए संसद भवन के निर्माण में शामिल श्रमयोगी, दूध सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर आदि को भी विशेष निमंत्रण भेजा गया है। वैसे तो इस बार 26 जनवरी पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमयोगी इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष आमंत्रित मेहमान हैं और वे मुख्य मंच के सामने बैठेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर सिटिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीटों की संख्या घटाकर 45,000 कर दी गई है। इनमें से 32,000 सीट इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसी तरह बीटिंग रिट्रीट के लिए 10% सीटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। गणतंत्र दिवस समारोह में नए कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है। वैसे बता दें कि पीएम मोदी सितंबर 2022 में ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद इसकी घोषणा की थी। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कहा। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते। यही नहीं, पीएम ने यह भी घोषणा की थी कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक ओर संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को कर्तव्य पथ भी देखा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए पीबीएनएन।